विद्यार्थियों सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इसी तरह पढ़ते रहिएगा। और आज हम जो है मृदुला गर्ग जो लेखिका है, उन्होंने जो संस्मरण लिखा है मेरे संगीत औरते, उसका भाग पांच पढ़ेंगे। कक्षा नवी विषय हिंदी प्रकरण है हमारा मेरे संगी औरते, और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इसका भाग पांच हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि लेखिका जो है, लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था, यानी इस संस्मरण में क्या बताया है, लेखिका की जो पुरानी स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, जैसे नानी का व्यक्तित्व कैसा था, लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था, दादी परदादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था, लेखिका का और लेखिका की जो बहनें हैं उनका व्यक्तित्व कैसा था, इसके बारे में इस संस्मरण में, इस लेख में बताया गया है। यहाँ पर हम लेखिका की नानी का व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ, और लेखिका की दादी परदादी माँ और लेखिका की बहनों का व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखिका की नानी, दादी परदादी, लेखिका की माँ और लेखिका की जो दादी परदादी है उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने किस प्रकार से जीवन में कार्य किया, किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को निखारा, इन सब के विषय में हम पढ़ चुके हैं। और आगे हम लेखिका की जो बहनें हैं, जो बहन भाई है, एक भाई है राजीव और पांच बहनें हैं, उनका व्यक्तित्व हम पढ़ रहे थे कि उनका नाम क्या क्या है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लेखिका की जो छोटी बहन है रेणु, उसका व्यक्तित्व बताया जा रहा है, उसके जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि उसे कहा गया बीए का इम्तिहान देने के लिए। तो पहले उसने तर्क किया कि पहले मुझे ये समझाइए कि बीए क्या होता है और यह बीए करना जरूरी क्यों है। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया, कौन कह रही है, लेखिका की बहन रेणु, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। अगर मुझे यकीन आ गया कि कोई फायदा है तो मैं ये बीए कर लूंगी, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क उसे दिए, समझाया, माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह पिताजी ने तर्क देकर के और लेखिका की जो बहनें रेणु उसे समझाया। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, विश्वसनीय यानी विश्वास करने योग्य, न रेणु को न खुद को उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया, कुतर्क यानी बुरा तर्क जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो, यानी उसके पिताजी समझा रहे थे। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक ही नंबर आया कि भाई चलो जबरदस्ती भेज ही रहे हैं पढ़ाने की, पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं। सच बोलने में वह माँ से भी दो कदम आगे है। लेखिका की माँ को सब क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वो सत्यवादी थी, किसी की निजी बात को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी, नहीं कहती थी, और सत्यवादी थी। तो यहाँ पर रेणु जो है यह भी माँ से दो कदम आगे थी सत्य बोलने में। गनीमत है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वो मजाक कर रही होगी।
इसलिए बिना मेहनत वो लोगों को हंसाए रख लेती है, यानी लोगों को हंसी आती थी उसकी बातों पर। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है, इत्र, तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी इत्र तो वही लोग लगाते हैं ना जो नहीं नहाते हैं, जो नहाने वाले होते हैं उनको इत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पड़ती है क्या? तीसरे नंबर पर चित्रा है, यानी लेखिका की बहन, तीसरे नंबर की बहन। यहाँ पर अब उसका व्यक्तित्व बताया जा रहा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। वो स्वयं भी पढ़ती थी, दूसरों को पढ़ाने भी में उसे बहुत मजा, बहुत आनंद आता था। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। शागिर्दों के यानी शिष्यों के। देखिएगा यहाँ पर एक शब्द आया है के ज्यादा अंक आते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि चित्रा जो थी वो कम पढ़ती थी और उसे दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि थी, इसीलिए उनके जो शिष्य थे उनके ज्यादा नंबर आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, उसे भी यह पसंद नहीं था, उसे भी जानकारी नहीं थी। पर उसका कहना था वो जो सोच लेती है करके ही रहती है। किसका? लेखिका की बहन जो है चित्रा, उसके जीवन के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है। पुरानी जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं लेखिका उन्हें व्यक्त कर रही है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल फेस नहीं आए। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहले मुलाकात में उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया, अर्थात उस लड़के से शादी के बारे में सोच लिया और उसे अपना जीवन साथी चुन लिया। हमें सबसे छोटी बहन अचला, लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला, काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, दाखिला यानी प्रवेश, ढंग से पढ़ाई की, पास हो गई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लिख पर नहीं चल पाए, यानी उसके अनुसार, उस उन्हीं रीति रिवाजों परंपराओं के अनुसार नहीं चल पाए। गर्भवार में मन ज्यादा लगा नहीं और मंजूर और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया, वो भी लिखने का कार्य करने लगी। कौन? अचला, जो लेखिका की बहन है। एक बात हमें एक सी एक जैसी ही रही। गरबार को परंपरागत तरीके से हमने भले नहीं चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। लेखिका कहती है कि सभी बहनों की एक बात एक जैसी थी। वो कौन सी बात थी? कि गरबार को पुराने तरीके से नहीं चलाया, पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं के अनुसार कार्य नहीं किए, लेकिन घर को टूटने से भी बचाए रखी। शादी एक बार की और उसे बनाए रखा, कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर, कगार यानी किनारे पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं, किनारा तोड़कर डूबी नहीं। अर्थात शादी के बाद नौबत तलाक तक आ पहुंची लेकिन तलाक लिया नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी
कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। घर के भीतर रहते हुए भी अगर अपनी मर्जी से जी लो तो वही काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, कौन लेखिका। अब यहाँ पर लेखिका अपना जीवन परिचय दे रही है, अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर रही है, कैसा व्यक्तित्व रहा लेखिका का। तो शादी के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे, यानी पति पत्नी भी एक साथ नहीं बैठ सकते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी, यानी लेखिका अपने बारे में बता रही है, अपना परिचय अपना व्यक्तित्व प्रकट करेंगे। नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी, नाटक में जो अभिनय किया जाता है उसके लिए लेखिका शौक रखती थी, शौकीन थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी, यानी लेखिका ऐसी जगह रहती थी बिहार के एक छोटे से कस्बे में डालमिया नगर में, जहाँ पति और पत्नी साथ में फिल्म भी नहीं देख सकते थे, सिनेमा हॉल में एक साथ नहीं बैठ सकते थे। लेकिन लेखिका को शौक था क्या, नाटकों में अभिनय करने का रंगमंच पर। तो लेखिका ने वो हार नहीं मानी, साल भर एक साल के अंदर ही उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए उसने मना लिया। अगले चार साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। कहने का अर्थ यह है कि लेखिका जैसा चाह लेती थी वैसा करके दिखाती थी। तो यहाँ पर ऐसे ऐसा कस्बा जहाँ सिनेमा हॉल में पति पत्नी एक साथ नहीं बैठ सकते थे, तो वहीं पर औरतों को पराए मर्दों के साथ काम करने का मौका लेखिका ने दिया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। ये कर्नाटक का कस्बा है बागलकोट, कहां पर है बागलकोट, कर्नाटक में। तब तक मेरे दो बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। कहां पर, कर्नाटक के बागलकोट में। लेखिका के दो बच्चे थे जो अब स्कूल जाने लायक हो गए थे, और वहां पर कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए रखा जा सके, ऐसा कोई ढंग का सा स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर, यानी लोगों ने राय दी, मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पास ही कैथोलिक बिशप, यानी कि जो ईसाई होते हैं, ईसाई, वहां ईसाइयों का एक स्कूल था मिशन, और उसका जो पादरी था उससे लेखिका ने दरख्वास्त की, प्रार्थना की, निवेदन किया कि वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उनके कस्बे में भी एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वहां स्कूल खोलने में वो असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार का अर्थ है आग्रह। इसरार शब्द का अर्थ होता है आग्रह। तो लेखिका ने इसके लिए आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, बस अगर आप हमें यकीन दिलाए कि वही स्कूल अगले 100 वर्षों तक 100 सालों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया, किसी चीज की थोड़ी ना गारंटी ले सकते कि हाँ 100 साल तक ये स्कूल चलेगा, ये संस्था चलेगी। तो यहाँ पर लेखिका को गुस्सा आ गया। मैंने कहा इस
कि वे अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पड़े, पानी की समस्या आपकी है मेरी नहीं। बात करनी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया, तय निश्चय किया कि मैं खुद अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से यह व्रत यानी संकल्प जो लिया, कौन सा संकल्प लिया था लेखिका ने, प्राइमरी स्कूल खोलने का, जिस क्षेत्र में वो रहती थी वहां पर प्राइमरी स्कूल, गैर क्रिश्चियन प्राइमरी स्कूल खोलने का। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में भी दाखिला भी पा गए। ख्यात यानी जो प्रसिद्ध स्कूल थे उसमें भी, उनमें भी उन्होंने प्रवेश किया। तो यहाँ पर ये जो भाग 5 है इसमें आपको समझ में आया कि लेखिका की बहनों का व्यक्तित्व कैसा रहा, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की और अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत किया, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, लेखिका का व्यक्तित्व कैसा रहा और किस प्रकार से जीवन यापन किया। तो यहाँ पर लेखिका एक बार जब बिहार के छोटे से कस्बे में डालमिया में रह रही थी तो वहाँ ऐसा नियम था कि सिनेमा हॉल में पति पत्नी एक साथ नहीं बैठ सकते थे, यानी स्त्री और पुरुष साथ में नहीं रह सकते थे दूसरों के सामने। तो लेखिका ने इस भ्रम को तोड़ा, लोगों को इस अंधविश्वास से और इस मान्यता से छुटकारा दिलाया और जो औरतें थी वहां की उन्हें पराए मर्दों के साथ नाटकों में अभिनय करने का अवसर दिया, मौका दिया। लेखिका फिर आगे ऐसे ही व्यक्तित्व यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया और जब उनके 2 बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लायक हो गए तो लेखिका ने जो है क्रिश्चियन स्कूल जो था जहाँ लेखिका रही थी वहाँ निवेदन किया, आग्रह किया, लेकिन मालिक के नहीं मानने पर लेखिका ने यह सोच लिया कि अपने बच्चों के लिए मैं एक अलग से हिंदी कन्नड़ भाषा का अलग ही स्कूल खोलूंगी। तो यह कार्य उसने करके दिखाया और जो और भी अधिकारी थे उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने लगे। आज इतना ही और आगे का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।